लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। सागर की एक घटना में जले दलित युवक की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसे 5 युवकों ने जिंदा जलाया था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कमलनाथ सरकार ने सरकारी खर्चे पर इलाज के लिए दिल्ली भेजा था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सागर में धर्मश्री स्थित अयोध्या बस्ती में 14 जनवरी को धर्मप्रसाद अहिरवार नाम के युवक को जिंदा जला दिया था। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। पीड़ित दलित व्यक्ति धर्मप्रसाद अहिरवार को 21 जनवरी को शासन के द्वारा एयर एम्बुलेंस से सफदरगंज अस्पताल नई दिल्ली में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान आज सुबह उसका निधन हो गया। इसकी सूचना परिजन को दे दी गई है। उसके शव का पीएम कराने के बाद दिल्ली से सागर लाया जा रहा है। युवक की मौत के बाद नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मध्य प्रदेश शासन प्रशासन को लापरवाह बताया है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की लापरवाही ने सागर के दलित युवक धर्मप्रसाद अहिरवार की जान ले ली। उनका कहना है कि समय रहता कमलनाथ सरकार अगर दलित युवक की सुध ले लेती तो आज उस युवक की जान बचाई जा सकती थी। गोपाल भार्गव ने मृतक युवक के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता देने की मांग की है। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। आज सागर के 24 वर्षीय उस दलित युवक धर्मप्रसाद अहिरवार की मृत्यु हो गई, जिसको मिट्टी का तेल डाल के, केरोसिन डाल के कुछ दबंगों ने जलाने की कोशिश की थी, मारने की कोशिश की थी, और जीवन मौत के साथ संघर्ष कर रहा था। प्रशासन और शासन ने किसी प्रकार की उसकी मदद की शुरुआत में कोई कोशिश नहीं की। सागर में जब वह मेडिकल हॉस्पिटल में था, तब मैंने फ़ोन करके कहा इसको भोपाल शिफ्ट करो। जब वो भोपाल आया तो मैं भोपाल उसको हमीदिया अस्पताल देखने के लिए गया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। उसके पिताजी से ही मिला, पीड़ित व्यक्ति से ही मिला, लेकिन मुझे संतुष्टि नज़र नहीं आई। जो कुछ थोड़ी बहुत मैं सहायता कर सकता था, मैंने करने की कोशिश की। इस सब के बावजूद भी शासन और प्रशासन लापरवाह बना रहा। मैंने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी प्रेस के साथियों को, मीडिया को भी इस घटना की जानकारी दी, लेकिन मुझे कहते हुए दुख है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी और सरकार को आगाह करने के बावजूद भी उस दलित युवक के लिए बचाया नहीं जा सका। इसमें सरकार की, शासन की, प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही है, और मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा कि दलितों के ऊपर अत्याचार की ऐसी घटनाएं अब दोहराई नहीं आए। इस प्रकार लगातार मध्य प्रदेश में एक साल से लगातार कमजोर तबके के लिए दबाया जा रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक है इस मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि पहले हमारी ऐसी तस्वीर नहीं रही। दूसरी बात, उस दलित युवक के परिवार पोषण के लिए उसको परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी की व्यवस्था और समुचित उसको आर्थिक सहायता भी दी जाए। बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।